बरेली में थाना बारादरी पुलिस ने एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो फिल्मों में हाई स्पीड की गाड़ियां चलती हुई देखकर और अपने शौक पूरे करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देता था। लूट करते समय गाड़ी की स्पीड काफी तेज रखता था और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता था। गाड़ी को हाई स्पीड पर चलाना फिल्मों में देखकर सीखा। एसएसपी बरेली के निर्देशन में लूटमार करने वाले ग्रोह के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्र अधिकारी तृतीय के नेतृत्व में थाना बारादरी में गठित की गई टीम, जिसमें उप निरीक्षक देवेश कुमार, कांस्टेबल विक्रांत कुमार, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार जब गश्त कर रहे थे, दोहरा रोड पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को मोटरसाइकिल पर आते देखा। उसको रोककर उसकी जामा तलाशी ली गई। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, पीली धातु की एक चैन, एक जोड़ी कुंडल, एक मोबाइल फोन एप्पल और 2000 नगद बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्त आकाश कुमार गौतम पुत्र विशंभर दयाल निवासी खन्ना गोटिया थाना सीबीगंज बताया। पुलिस ने आकाश से एक अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना बारादरी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान टिप पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम आकाश कुमार गौतम है और ये इसका आपराधिक इतिहास कुछ इस प्रकार है कि मीरगंज में एक घटना कर चुका है, मिलक जिला रामपुर में एक घटना कर चुका है, इसके अलावा प्रेम नगर और अभी बारादरी में ये किसी घटना को अंजाम देने वाला था। उससे पहले टिप पर चेकिंग में ये पकड़ा गया है। इसके पास से एक कुंडल, गोल्डन कुंडल, एक गोल्डन चैन, 2000 कैश, एक मोबाइल फ़ोन और एक 350 सीसी की बाइक, अपाचे बाइक बरामद हुई। सर क्या बताया इसने कि घटना का इसको कहां से आइडिया या अब तक कितनी घटनाएं की है और जो बाइक है ये किस तरह से, किस चीज़ से इंस्पायर? देखिए जो लुटेरा है ये पेशेवर है और ये जो आजकल मूवीज चल रही हैं जिसमें हाई स्पीड बाइक का और महंगे शौक पूरे करने के लिए इस तरह का, ये जो धूम तरह की इस तरह की मूवीज़ हैं उनसे इंस्पायर्ड है ये, और ये अपने शौक पूरे करने के लिए लूट की घटनाओं का अंजाम देता है। और पूछताछ से भी इसके पास से एक हाई एंड एप्पल का मोबाइल बरामद हुआ है। इसकी जो बाइक है वो भी 350 सीसी की अपाचे बाइक है जो कि एक स्पीड बाइक है। मसला कि चलती बाइक से पत्थर में कुंडल और चैन खींच लेता था कितने? जी इसका मोडस ऑपरेंडी कुछ इसी प्रकार रहता था कि ये चलती बाइक से तेज गति से कुंडल या चैन छीन के निकल जाता था। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। कासगंज पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री BBGTS मूर्ति के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री जितेंद्र दुबे के नेतृत्व में अवैध शराब व शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में आज कोतवाली कासगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान तीन शातिर शराब माफिया धर्मेंद्र पुत्र नथौली निवास ग्राम चमरौली थाना ताजगंज जनपद आगरा, विनोद कुमार पुत्र भूरी सिंह निवास ग्राम गुतिला थाना ताजगंज थाना आगरा, अशोक पुत्र हरी सिंह निवास ग्राम पिलहोरा थाना छाता जनपद मथुरा को एटा बाईपास तिराहा हमापुर रोड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। देखिए आज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। मेनली ये जो विशेष अवैध मादक पदार्थ के ऊपर जो अभियान हम लगातार चला रहे हैं उसमें बड़ी सफलता मिली है। उसमें सुबह काक मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान तीन अभियुक्त, इनके नाम है अशोक, विनोद और धर्मेंद्र, जो जनपद मेनली आगरा के रहने वाले हैं, ये पकड़े गए हैं अवैध शराब के साथ। इनसे हमने करीब 110 पेटी अवैध शराब, जिसमें करीब 5000 पौवे नकली शराब मिली थी और उसमें इसका इसके ऊपर मिस इंडिया मार्क भी लगा हुआ था। ये लगभग करीब मोर देन 3 लाख रुपए की कीमत बताया जा रहा है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखवा कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। बरेली कॉलेज में 6 सितंबर से चल रहे 21वीं वाहिनी के एनसीसी कैंप के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजय रही टीनों एवं कैंडिटों को कैंप कमांडेंट कर्नल अमन नेगी एवं डिप्टी कैंप कमांडेंट कर्नल सुधांशु दीक्षित ने स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बालिका वर्ग में बरेली कॉलेज के कैंडिट साक्षी तिवारी एवं बालक वर्ग में ठाकुर रोशन सिंह इंटर कॉलेज के कैंडिट अनस अली ओवरऑल बेस्ट कैंडिडेट चुने गए। इसके अलावा अल्फा कंपनी के कैंडिडेट कमल चंद्रा एवं कैंडिडेट नैन्सी शर्मा, ब्रावो कंपनी के कैंडिडेट अभिषेक पटेल एवं कैंडिडेट सिमी सिंह तथा चार्ली कंपनी के कैंडिडेट अरुण मिश्रा एवं कैंडिडेट प्रज्ञा शाहू को कैंप के दौरान अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी डॉक्टर अंचल अहेरी ने बताया कि इस कैंप में थल सैनिक कैंप के लिए बालिका टीम का चयन किया गया। यह टीम उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। कैंप में कुल 425 कैंडिडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कैंप का समापन 13 सितंबर 2022 को होगा। केंद्रीय विद्यालय एवं आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली के कैंडिडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जनपद सिद्धार्थ नगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा छिपाब दौड़ उपखंड एवं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत दिगोद खालसा के गांव उतावली में प्रशासन एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते सड़कों पर भरे समुद्र जैसे गड्ढों में तब्दील हो गई। सड़क और स्थानीय लोगों समेत रोजाना दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों को इस सड़क मार्ग से होकर निकलने के दौरान करना पड़ता है भारी समस्याओं का सामना। बार्ड पंच ने जानकारी देते हुए बताया कि छिपाव दौड़ से उतावली की दूरी 4 किलोमीटर की है, लेकिन इस दूरी में बनी सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसको लेकर पूर्व एवं वर्तमान विधायक, सरपंच, संबंधित विभागीय अधिकारियों समेत सभी को इस सड़क को बनाने के लिए मांगे की हैं, लेकिन इस ओर आज तक किसी भी जवाबदारों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके कारण हमारे गांव की सड़कों में गड्ढे पड़ गए और कुछ जगहों पर तो सड़क बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ऐसे में हमारा इस सड़क मार्ग से होकर गुजरना मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा है। इस सड़क से सैकड़ों गांव के लोगों का आवागमन होता है। इसको लेकर पूर्व में पंचायत राज चुनावों के दौरान सभी ग्रामवासियों ने एक राय होकर चुनावों का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया गया था, लेकिन बाद में संबंधित विभागीय अधिकारियों और प्रशासन द्वारा झूठे वादों के सांझों में आ गए और उस समय वादा किया गया था कि जल्द से जल्द 3 महीने के अंतराल में तुम्हारे गांव की सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने में ही नहीं बल्कि कितने ही महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक किसी भी अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधियों द्वारा इस सड़क की मरम्मत तक नहीं कराई गई है। समस्या आपके गांव की बताओ। मेरा गांव की यह समस्या सन 2019 है। ई रोड की स्थिति ऐसी काफी स्थिति में, एक तो यो नचिला बाग में और सरकार ही पर ध्यान दे नहीं। जब भी वोट आओ, जब भी यही चीज मांगे के भाई ई रोड सही कराओ, लेकिन जब भी सरकार आवे सब आर्यावर का सब चल जाओ अपना अपना स्तर पर। अभी पर लमसम
अपनी पंचायत कम से कम 20-22 पंचायत ही रोड से जुड़ी हुई है, सम कुमराज तक ही रास्ता जारी हुआ। इसको लेके आपने पहले कोई विभागीय अधिकारियों को नेताओं को कोई लिखित में आपने क्षेत्र का विधायक जी का दिए, आपने तहसीलदार दुनिया भर का जो भी है और जो PW वालों को जो छबड़ा क्षेत्र में वहाँ के पास भी कई एप्लीकेशन दिए और एक बात का सबूत हमारे पास है, एप्लीकेशन देता। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं RA इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड ब्रह्मापुर कुर्दिया सिद्धार्थनगर। बरेली थाना भितरी चैनपुर क्षेत्र में दो दिनों से लापता व्यक्ति की नहर किनारे सड़ी गली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जहां पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारण स्पष्ट होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं परिवार वालों का आरोप है किसी ने उनकी हत्या की। बरेली के भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र के नरियावल के रहने वाले 45 वर्षीय श्यामवीर शर्मा पुत्र रामचंद्र 9 सितम्बर की सुबह घर से निकले थे, पर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं लगा। घर वालों ने काफी तलाश करने की कोशिश की, पर जब वह नहीं मिले तब थाने में 9 सितंबर को श्यामवीर की गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसके बाद भितरी चैनपुर थाने की पुलिस भी श्यामवीर शर्मा को तलाश कर रही थी कि तभी रविवार को नरियावल में ही नहर किनारे खेत में श्यामवीर की सड़ी हुई लाश मिली। 45 वर्षीय श्यामवीर की सड़ी हुई लाश मिलने से उनके परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के बेटे का आरोप है उसके पिता श्यामवीर की किसी ने हत्या की है। लाश की शिनाख्त मिटाने के लिए उनके चेहरे पर कोई केमिकल या तेजाब डाला है, चेहरा खराब हो चुका है, शरीर पर जगह जगह छाले पड़े हुए थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा मौत का कारण। मेरा नाम सुधांशु शर्मा है। आपके कौन थे? मेरे पिताजी थे। पिताजी का नाम? श्यामवीर शर्मा। कैसे खत्म हो गए? कहाँ बॉडी मिली थी, क्या लग रहा सर? ये 9 तारीख को सुबह 8 बजे से गायब थे और लमदम जे 11 तारीख को लमदम 1 बजे के करीब मिले थे नहर किनारे, जो आलू स्टोर के सामने रोड गया है प्रतापपुर को, नहर किनारे नीचे पड़े हुए मिले थे। इनकी लाश नहर के नीचे को मिली थी और इनकी मुझे ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया है और इनका चेहरा बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है कोई केमिकल डाल के और इनका गला घोटा गया है और इनके हाथों पे फलके वगैरह हैं, मुझे मर्डर लग रहा है। क्या करते थे? एक कृषि करते थे, फिलहाल अभी तो कुछ नहीं, नरियावल के रहने वाले थे। देखिए, थाना भितरी चैनपुर में आज मॉर्निंग तकरीबन 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि नहर के किनारे एक खेत की मेड़ पर एक बॉडी पड़ी है, तो सूचना मिलने पर संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा वहाँ पर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की गई, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कुछ कह पाना मुश्किल है क्योंकि बॉडी डीकम्पोज अवस्था में है, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि क्या इसमें क्या एंगल निकल के इसमें आता है। उम्र उनकी 55 वर्ष के तकरीबन। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, VIP वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बलरामपुर विकासखंड हर्रिया सतघरवा अंतर्गत सोमवार सुबह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत THC से कमदा मार्ग लंबाई 5 किलोमीटर, लागत 37,183 लाख का शुभारंभ चौधरी राम शिरोमणि वर्मा सांसद श्रावस्ती के अध्यक्षता में कर कमलों द्वारा विधायक तुलसीपुर कैलाश नाथ
शुक्ल विधानसभा तुलसीपुर की गरिमामयी उपस्थिति में लोकार्पण किया गया। सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए सड़कें बेहद महत्वपूर्ण हैं। अंतः निर्माण कार्य के दौरान सड़क की गुणवत्ता और समय अवश्य सुनिश्चित किया जाए। विधायक ने सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए कहा कि विश्व स्तरीय नई तकनीकी हॉटमिक्स द्वारा निर्मित कराए गए मार्गों की सड़कें मजबूत एवं टिकाऊ होती हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित है। जनपदों में जो भी सड़कें छोटे छोटे गड्ढे होना शुरू हो तभी उसका मरम्मत कार्य बेहतर ढंग से किया जाए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। विधायक जी, जो है अपने ही क्षेत्र में स्वास्थ्य जो केंद्र चल रहा है, तमाम अस्पताल चल रहे हैं, उस पर डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही है, ना वो आते हैं ना बैठते हैं। कई बार इसको लेकर के सीएमओ बलरामपुर को अवगत भी करवाया गया, अभी तक इस पर क्या कोई कार्यवाही नहीं हुआ। डॉक्टर अपने कार्यों से बाज नहीं आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से थोड़ी बहुत आपके शिकायत में दम है, फिर भी डॉक्टर की उपलब्धता बलरामपुर जिले में करा दी गई है। और अभी अभी मैंने तुरंत, मुझे लगता है कि आप शायद रहे होंगे, अभी सीएमओ से बात भी किया है, जैसे गोली कला के पीएससी की बात थी, और मैं प्रयास करूंगा कि शीघ्र यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति हो जाए। फिर भी बहुत जगह स्थानीय स्तर के डॉक्टर होने के कारण जब हम लोग या शासन प्रशासन कोई कदम उठाता है तो कहीं ना कहीं से पैरवी हो जाती है कि इनका ट्रांसफर यहाँ रुकवा दीजिए, उनका ट्रांसफर वहां रुकवा दीजिए, इसी में जो आम आदमी पिस जाता है। तो प्रयास किया जाएगा कि जहां जैसी आवश्यकता है डॉक्टर की उसको कराया जाए। और ये अभी जो माननीय सांसद जी के संज्ञान में ये यहाँ वाले सीएससी का विषय लाए है, ये अभी थोड़ा इसमें पूर्ण होने में थोड़ी कमी है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, उनके सामने बात किया है, और सीएमओ से भी मैंने कहा, आप थे उस बैठक में, सीएमओ से भी मैंने कहा है कि शीघ्र इसका लोकार्पण करवा करके और चिकित्सक के यहाँ बैठ करके ड्यूटी पूरा करना शुरू कर दें। तो मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही ये आपका जो सीएससी है ना, ये सीएससी काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा, और आज पहली सड़क है जो माननीय विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके लगभग तुलसीपुर विधानसभा में पाँच तीन आठ सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लाने का काम किया गया है, और पूरे जनपद में लगभग 27 सड़कों को प्रयास किया गया है, और उसकी पुष्टि भी हो गई है कि 27 सड़कें बलरामपुर जनपद में जल्द से जल्द शिलान्यास होकर के काम शुरू हो जाएंगी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। बरेली में निचली अदालतों द्वारा पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हुए बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू महासभा के मंदिर होने की याचिका स्वीकार करने के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जुनेद हसन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया। बताया कि बदायूं की जामा मस्जिद देश की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है, जो 1223 ईस्वी में बनी थी, जिसे गुलाम वंश के शासक शमशुद्दीन अल्तमश ने बनवाया था। मस्जिद में तब से लेकर आज तक रोज पांचों वक्त की विधिवत नमाज अदा की जाती है। मालूम हो कि बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को संविधान के बुनियादी ढांचे से जोड़ा था। संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई अस्तित्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र और मैथी यथावत रहेगी, लेकिन हिंदू महासभा द्वारा पूजा स्थल कानून 1991 की धारा 3 के उल्लंघन की कोशिश करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक इसका विरोध करती है।
ये बदायूं की एक जामा मस्जिद है जिस पर कुछ लोगों ने अपना उस पर परिवर्तित करने के लिए एक याचिका दायर की कोर्ट में कि यहाँ मस्जिद नहीं मंदिर था। ये भाजपा के संघ के लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की जगह जगह इस तरह का देश में नफरत पैदा करने के लिए ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जहाँ सुकून और चांद शांति है, चैन है, अमन है, उस अमन और चैन को ये ख़राब करने की जगह जगह भाजपा के लोग, सपा के लोग एक सोची समझी साजिश के तहत, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब काम कर रहे हैं जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। मैं जुनैद हुसैन, अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या मांग है आज महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम भेजने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कुछ निचली अदालतों द्वारा जो बदायूं की जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक और देश की बहुत ही पुरानी मस्जिद है, उसको कुछ हिंदू महासभा के लोगों ने मंदिर बताने की याचिका दायर की थी कोर्ट में, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। इसमें कानून के अधिनियम के द्वारा 1991 की एक धारा के तहत ये पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग उसके विरोध में एक ज्ञापन दे रहे हैं, वो माननीय जिलाधिकारी जी को आज दिया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। महाराजगंज जिले की नगर पंचायत ब्रजमन गंज में 6 सूत्री विद्युत मांग के लिए समाज सेवी विनोद जायसवाल एवं शशि भूषण अग्रहरी ने SDO ईश्वर सारण सिंह एवं जय ब्रजमन गंज मनिद्रर सिंह को ज्ञापन दिया, जिसको लेकर बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा कि 6 सूत्री मांग पत्र प्रदर्शनकारियों से प्राप्त हुआ, जिसको शासन के अनुरूप दिए गए शासनादेश को देखते हुए समुचित व्यवस्था की जाएगी। अगर आपसे हो संभव हो तभी लीजिएगा, नहीं नहीं, नहीं तो हम लोग धरने पर आप सुन लीजिए। जी जी सर, हमने कल ये सुना है कि हम देर से आए, आज की समाधान व्यवस्था को बता दूं मैं, हम ऑलरेडी कई कैंप में बैठा था, कोई फोन भी किया था। अगर आप बोलो बुरा जो आप लोगों के इशारे पे चलने वाले हैं, आगे से इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हम लोग इस तरह से शांति से बैठ करके आपका इंतजार करें। कार्य में सम्मान करता हूँ, हमारे नेता बैठे हैं, मेरे अभिभावक खड़े हैं, देवतुल्य जनता खड़ी है, नौजवान खड़े हैं, लेकिन झूठ मत बोलिएगा, एक का निवेदन करेंगे। लेकिन विनोद जायसवाल मेरा नाम है और न जानकारी होगा तो पता कर लेगा, 500 मुकदमा शायद संभव तो लिखा भी गया है मेरे खिलाफ, तो गलत चीज न होने पाए, जो कहिएगा सही कहिएगा, नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं होगा। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। बरेली शाहजहांपुर ग्राम खजूरिया खुर्द थाना निगोही के अंतर्गत पीड़िता गुड्डी देवी पत्नी विनोद सिंह ने करणी सेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह से मदद की लगाई गुहार। जिला अध्यक्ष होने के नाते हर संभव मदद का दिया आश्वासन। हालांकि पीड़िता गुड्डी देवी ने बताया कि वह अपने परिवार सहित दिल्ली में रह रही थी। गुड्डी देवी अपने लड़के संजीव सिंह के साथ दिनांक 22 अगस्त 2022 को दिल्ली से अपने बहनोई मुकुट सिंह पुत्र धनपाल सिंह निवासी मोहल्ला सुभाष नगर कॉलोनी थाना फतेहगंज पूर्वी के यहाँ आई थी। पीड़िता की बहनोई उसी दिन मुझे मेरे पुत्र को छोड़ने ग्राम खजूरिया खुर्द गए थे तथा रात में वहां रुककर 23 अगस्त को मेरे पुत्र संजीव सिंह को लेकर अपने घर मोहल्ला सुभाष नगर आए। पीड़िता गुड्डी देवी के बहनोई के पड़ोसी ने बहनोई मुकुट सिंह और संजीव को अपने घर बुलाकर रात्रि में मेरे पुत्र संजीव और बहनोई को शराब में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे उन दोनों की हालत काफी गंभीर हो गई।
तथा सुबह मेरे बहनोई मुकुट सिंह की मृत्यु हो गई। पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया और न्याय की गुहार लगाई। बरेली एडीजी ने थाना फतेहगंज पूर्वी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। गुड्डी हमारा बेटा मेहमान में गया था अपने मौसा यहाँ, उसको शाम को जहर पिला दिया दारू में। जब मेरे पास फोन गया तो कहीं तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब, छाले पड़ गए और वो तुम्हारे मौसा जो हैं वो भर्ती हो गए। तो जब वहाँ से गए तो मेरे बेटे के छाले पड़ गए, बोल नहीं पा रहा। गजराज ने जहर दिया है संजीव, और फिर रोलखंड में हमारे लड़के छोटे वाले ने हमारे देवर ने भर्ती किया तो 6 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम पूजा है। मामला ये है कि मेरा भाई मुकट सिंह 24 तारीख को गजराज के यहाँ पे शराब के साथ में जहर दे दिया, और उसके साड़ू का लड़का संजीव था, दोनों को जहर दे दिया। उसके 6 दिन बाद मृत्यु हो गई और मेरे भाई की 3 घंटे के बाद ही मृत्यु हो गई है। और हम जहाँ कहीं भी जाते मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाती है। मेरे छोटे छोटे ये बच्चे हैं, भाई के 3 बच्चे हैं मेरे, बेसहारा हो गए। पर मैं कहीं भी जाती हूँ, जो फतेहगंज पूर्वी में धर्मेंद्र एसओ है और दिनेश दरोगा है, उन्होंने 2 लाख रुपए लेके उस मुलजिम को छोड़ दिया। उसे कोई कार्रवाई नहीं, उसके जरिए कोई बात नहीं सुन कर रहे हैं, नहीं पूछताछ कर रहे हैं, उसे छोड़ दिया है। हर बात पे यही बोलते। मैं फतेहगंज पूर्वी जिला बरेली तहसील फरीदपुर की हूँ, फतेहगंज पूर्वी के। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो भी फतेहगंज का ही है, गजराज और जगवीर और उनकी माँ मुन्नी देवी। मैंने आंखों से देखा, उन तीनों ने जहर पिलाया, उन्हें मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। ये 24 तारीख रात की बात है और उसी दिन 25 तारीख 2 बजे के टाइम उनकी हालत खराब हुई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जनपद सिद्धार्थनगर में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर सरला इंटरनेशनल एकेडमी सिद्धार्थनगर। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना,
श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता: रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।